अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो जो लोग दुआ के लिए बोले हम सबके दुआएं कबूल करें, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। आज हम डेविड्स कुकिंग में ज़बरदस्ती ईजी बाज़ार जैसी घर पर ही बनाएंगे आज खजूर की रेसिपी। मैदे का खजूर की रेसिपी है ये, जो बाज़ार में रेस्टोरेंट में मिलता है वो खजूर की रेसिपी बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत अच्छी टेस्टी बन के रेडी होती। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स है ये कप से 4 कप मैदा है ये, और ये इसका 1 कप शक्कर है ये, और 1 कप रवा है ये 4 कप मैदा है ये, 1 कप रवा है ये, 1 कप शक्कर है, 1 अंडा है, 1/2 कप घी है ये, सौंफ है ये 1 टीस्पून, मैं दरदरी सी इसको पीस ली सौंफ को, दरदरा सा सौंफ है ये, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, 1 पिंच सोडा है। बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। अब चलिए बॉल ले लेंगे अपन, बॉल में अपन सारे चीज़ें ऐड कर देंगे। 4 कप मैदा है ये, रवा है, सौंफ है, सोडा है, इलायची पाउडर है, नमक है, घी है, शक्कर है, पाउडर शुगर है ये, अच्छा है तो बगैर पीसी भी ले सकते हैं, मगर शुगर पाउडर से अच्छा है रहता है ये। पहले अपन ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरे चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाना। चलिए 1 अंडा है ये, पूरा 1 अंडा डाल देंगे अपन। ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते, अंडे से टेस्ट अच्छा आता। चलिए सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अपन, अच्छा भिगा लेंगे आटे को, जैसा अपन रोटी का आटा भिगाते हैं वैसा भिगा लेंगे सेम, उसके बाद बताऊँगी। चलिए सारे चीज़ें, अंडा भी मिक्स हो गया अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपन भिगा लेंगे, अच्छा घट डो भिगा लेंगे, और ज़्यादा पानी नहीं लगता है इसको, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि शक्कर है, जल्दी पिघल जाती शक्कर। बस मैं थोड़ा सरका डाली पानी में, मैं इसमें खोपरे का पाउडर बताना भूल गई थी, 1 कप खोपरे का पाउडर है इसमें डाल देंगे अपन, फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को। खोपरे का पाउडर 1 कप डाली, देखिए मैं 1 कप मैदा डाली थी, 4 कप मैदा डाली थी, 1 कप रवा डाली, 1 कप शक्कर डाली, इलायची पाउडर डाली, सभी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अपन। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं आटा गूंथ ली, देखिए ज़्यादा घट भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से गूंथी मैं आटा। अब इसको 10 से 15 मिनट्स तक अपन रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी फिर मैं आपको। चलिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए अपना आटा अच्छी तरह से हो गया। अब अच्छी तरह से मल लेंगे आटे को, अच्छी तरह से मल लेंगे आटे को, अच्छा चलिए पूरा मल गया आटा इसको, उसके बीच में से कट करके 2 पेड़े बना लेंगे इसके। पहले एक रोटी बना लेंगे एक पेड़ का। पहले देखिए कितना बड़ा है पेड़ा, अच्छा मोटा मोटे बेलेंगे रोटियां इसको। बहुत पतले नहीं बेलना, मोटे मोटे बेलना। चलिए कट कर लेंगे इसको अपन, आप अपने हिसाब से शेप रख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट शेप है। ऐसा कट कर ले रही मैं,
इसको भी कट कर लिए। आप जैसा चाहे वैसा शेप रखिए, जैसा चाहे वैसा बना सकते, डिजाइनों के भी बना सकते हैं आप। मैं नॉर्मल जो बाजार में मिलते वैसे बना के बता रही मैं आपको। देखिए मोटे मोटे रखी मैं, देखिए कितने मोटे है ये, ऐसे ही चाहिए अपने को। चलिए फ्राई करके बताऊंगी मैं। चलिए मैं अच्छा तेज़ आंच पे अच्छा गरम कर ली, तेल को मैं मीडियम आंच कर दी, एकदम स्लो आंच है उस पर तलेंगे अपन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक एक करके तलेंगे अपन, मीडियम आंच पे तलेंगे क्योंकि अंदर तक अच्छा पकना है, लगाने तो कच्चे रहते। पूरे एक ही शेप के है देखिए पूरे अपने खजूरा। खुद ब खुद ऊपर आ जाता है ये अच्छे तले गए तो। देखिए ये ऊपर आ गए, देखिए देखिए फूलना शुरू हो गए, अच्छे तरह से फूल गए देखिए आप, माशाल्लाह। ऐसे ही पूरे अच्छा फूल जाते एक एक करके ऊपर आते हैं। पूरा एकदम स्लो आंच रखी मैं ताकि जले नहीं बल्कि। पूरे ऊपर आए देखिए आप अपने आप ही। अभी डाल देंगे अपन ऐसे ही। देखिए कितना अच्छा फूल के, देखिए आप कैसे अच्छे हुए, पूरे बाजार जैसे वैसी ही सेम टेस्ट रहता, सेम बन के रेडी होते घर पे ही। देखिए गोल्डन पना आना शुरू होगा, पूरे अच्छे गोल्डन कलर करेंगे इसका। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से गोल्डन पना आ गया, देखिए कितने अच्छे फूल के अच्छे हुए। अभी गोल्डन कलर करेंगे इसका बिल्कुल स्लो मीडियम आंच पे, एकदम उस पर फ्राई कर रही हूँ मैं। टाइम लगेगा मगर अच्छे अंदर से अच्छे क्रिस्पी अच्छे तैयार होते ये अच्छे तरह से। गोल्डन कलर हो गया देखिए, अभी थोड़ा गोल्डन कलर हुआ था अपन निकाल लेंगे इसको। चलिए अपने रेडी हो गए माशाल्लाह, खजूरा बन के रेडी हो गए, कितने अच्छे बने देखिए खजूर अपने। अब इसको एक प्लेट में निकाल ले रही मैं, अच्छा तेल निकाल लेंगे इसका। माशाल्लाह अच्छा कलर आया है इसका, देखिए अच्छे फूल गए भी है। चलिए दूसरे में देखिए चार कोनी टाइप कटिंग करी, चार कोनी के है ये, दूसरे भी ऐसे फ्राई कर लेंगे अपन। बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई कर रही हूँ मैं इसको, देखिए पूरे चार कोनी कटिंग है ये। चलिए इसको भी गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे इसका भी। चलिए देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका भी। चलिए अब ये निकाल के मैं सर्व करके बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। चलिए इसको निकाल लेंगे अपन एक प्लेट में, अच्छा तेल निकाल लेंगे इसका, ज़रा भी तेल ना रहना इसमें। चलिए अब ये निकाल के मैं सर्व करके बताऊंगी आपको। चलिए देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के रेडी हुए। अभी ये भी बाकी के भी तले से मैं रख दूँगी इसमें। माशाल्लाह दो शेप के बनाई देखिए मैं, स्क्वायर टाइप में ट्रायंगल टाइप में, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को आप। देखिए एक तोड़ के देखिए आप, सेम बाहर जैसे बाजार जैसे बने, देखिए इसको तोड़ के बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए आप कितना अच्छा क्रिस्पीनेस है, देखिए 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 माशाल्लाह अच्छा बन के रेडी हुआ।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। दुआ में याद रखिए। शब खैर।